फाइनली आज काफी धमाल मचने वाला है टाइगर श्रॉफ के सभी फैंस के लिए। नमस्कार, मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट मीडिया नेटवर्क। चलिए आप लोगों को बताते हैं टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए क्या नहीं आज धमाल मचने वाला है। जैसे कि आप भी जानते हैं टाइगर श्रॉफ की एक मूवी रिलीज होने जा रहा है जिसका नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर को लेके जिस तरह फैंस इंतजार कर रहे थे कि इसका ट्रेलर कब रिलीज होगा, इसके बारे में अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुका था कि इसका ट्रेलर 12 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 को लेके इसका ट्रेलर अब कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है, जिसका कई सारे पोस्ट और कई सारे लुक भी रिवील किए गए जो फैंस को काफी पसंद आया और काफी लाजवाब उनको लगा। वैसे दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, जी हाँ, इनका पोस्टर काफी गजब देखने में लगा है। मगर दोस्तों, इनका ट्रेलर और गजब का देखने को मिलेगा जब इसका ट्रेलर आउट होगा। तो दोस्तों, आप लोग का क्या कहना है इस मूवी को लेके? वैसे दोस्तों, आप लोग को एक चीज बता दूं, जी हाँ, इसमें टाइगर श्रॉफ का नाम काफी खास रखा गया है। जी हाँ, इनका नाम है रोहन। इस फिल्म में रोहन के किरदार निभाते हुए नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ, जो काफी धमाल भरा होगा और काफी लाजवाब होगा। तो दोस्तों, आप लोग क्या कहना है, अपना अपना ओपिनियन फटाफट दे। तो दोस्तों, ये है काफी चैलेंज भरा मूवी, तो देखना और भी इंटरेस्टिंग रहता है सभी फैंस के लिए और काफी खास होता है, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं जो ये कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के गेट पे लिखा हुआ है टेक द चैलेंज। तो दोस्तों, ये काफी खास मूवी होने वाला है और जैसे ही इसका ट्रेलर रिलीज होगा तो इसके बारे में तो आपको मालूम चल ही जाएगा कि ये मूवी कैसा है और आपको कैसा लगा इसका ट्रेलर। तो दोस्तों, जैसे ही इसका ट्रेलर आउट होगा तो सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पे देखने और सुनने को मिलेगा। तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में ही बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में जो होगा आपके लिए काफी खास। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक इस चैनल के साथ ऐसा ही बने रहे इंटरेस्टिंग खबर पाने के लिए। Subscribe my channel and press the bell icon.